कल हमारे एक व्यूअर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, कहीं ना कहीं जो हमने हैप्पी बर्थडे मैसी वाला पोस्ट किया था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उस पोस्ट पे उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, आप सब जाके उस पोस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमें लगा कि चलिए इस क्वेश्चन का जवाब वापस से दे देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं। आज डिलीट में हमसे ये पूछा गया था, तो हमने अपनी राय जो हमें लगता था वो हमने रखी थी आपके सामने, लेकिन फिर भी शायद ये व्यूअर जो है वो हमसे नहीं जुड़े हो, या फिर शायद उन्होंने वो वीडियो मिस कर दिया हो, तो फिर से एक बार आंसर देने में कोई बुराई नहीं है। खैर सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन का, तीन क्वेश्चन सुन के रहे हैं, दो रहे हैं वैसे नॉर्मली, लेकिन इसको तीन में हम ब्रेक करते हैं। पहला क्वेश्चन जो उनका था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू में टॉप थ्री में आने के कितने चांसेस है नेपाल के, या फिर कितनी सक्सेसफुल टीमें रह सकती है। सबसे पहले मैं आपको आपसे यही पूछना चाहूँगा, टॉप थ्री में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू में नेपाल के रहने के चांसेस आपको कितने लग रहे हैं, और अगर लग रहे हैं तो क्यों, नहीं लग रहे हैं तो क्यों नहीं। नहीं देखिए, लग तो नहीं रहा डायरेक्टली कहें तो बिल्कुल टॉप थ्री में मुश्किल लग रहा है, जिस तरीके का टीम का जो परफॉर्मेंस है और जो हाल है, और हर फैक्टर में बॉलिंग डिपार्टमेंट को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सब डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा खाली है, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी कप्तानी की वजह से कभी कभार वीक नज़र आती है, कभी कभार एक लूप होल नज़र आ जाता है। तो टॉप थ्री में मुश्किल है कि ऐसे एंट्री हो जाए और क्वालिफाई कर जाए टॉप थ्री के लिए, लेकिन उसके लिए उस जो परफॉर्मेंस है टीम का वो अप टू द मार्क नहीं है जो टॉप थ्री में आपको रख पाए और टॉप थ्री में आप जगह बना पाए। बिल्कुल, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसे मैं बात करूँ सबसे पहले बैटिंग की, जहाँ हैरान हो जाएंगे क्योंकि बैटिंग तो अभी फिलहाल रिसेंटली अच्छी हुई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विकेट्स थ्रो करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीम के साथ जुड़ी हुई है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंट कर रही है उनको एक कंसिस्टेंट विनर बनाने में, और जिस वजह से वो टॉप थ्री में पहुँचने में बहुत मुश्किल होते हैं। अच्छा, कोई प्लेयर है 30-40 पहुँचते हैं तो अपना विकेट थ्रो कर देते हैं, कोई 50 पहुँचते हैं वो अपना विकेट थ्रो कर देते हैं, जानते हैं इंपेशेंस उनके अंदर काफ़ी है, जानते हैं धीरे धीरे ये चीज़ संभलेगी, मेजोरिटी आएगी, लेकिन यहाँ पर आप बात क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू की कर रहे हैं तो इतनी जल्दी भी नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं तब तक शायद बहुत देर हो जाए और टॉप थ्री में टीम का पहुँचना लगभग नामुमकिन ही लग रहा है। खैर, अब यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करें, और इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट कैप्टनसी का भी आ जाता है, पूर कैप्टनसी का भी आ जाता है। एंड जो बॉलिंग की आप बात कर रहे थे कि बॉलिंग स्ट्रांग होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसमें एक लूप होल नज़र आता है, और वो लूप होल बॉलर्स की वजह से नहीं बल्कि कप्तानी की वजह से नज़र आता है, कोच का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ही ज़्यादा कम दिखता है। आप इन दोनों चीज़ों को शॉर्ट में समझाने की कोशिश। देखिए, बॉलिंग डिपार्टमेंट में दो तीन के ऊपर जब बर्डन आ जाए वो कर देते हैं, लेकिन जब मोस्टली जब आप उनसे नहीं होता तब टीम बहुत ज़्यादा फेलियर नज़र आती है। जी हाँ, जब करण केसी या सुंपर कामी जब इनमें से कोई एक परफॉर्म करे, और संदीप आकर फिर डायरेक्ट, आप सोच के देखिए शुरू के 10 ओवर में अगर दो विकेट गिर जाते हैं तो वहाँ से आखिर स्कोर कैसे इतना पहुँच रहा है किसी टीम का, कोई एक सिंगल हैंडेडली 200 पहुँचा दे रहा है, कोई 245 पहुँचा दे रहा है, तो ये हो कैसे रहा है आखिर। तो ये बीच में कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा बॉलर कोई पूरा का पूरा जो है, सिर्फ करण केसी, सोमपाल कामी और संदीप, बस यही तीनों है, ऐसा लगता है कोई और बॉलर नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा एक फेलियर है एज अ कैप्टन कि आप एक चौथा बॉलर अपने साथ लेके चलते नहीं है। और वहीं पर कोचिंग की बात करें तो उसमें तो खैर कहना होगा कि कोच सिर्फ जब कैन जो फेसबुक पे फोटोज डालते हैं तब ऐसा लगता है कि हाँ नेपाल के कोच इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, नेपाल ने कोच भी अपॉइंट करा हुआ है, बिल्कुल, और अदरवाइज लगता ही नहीं है कि इसके अलावा जब मैचेस देखते हैं हम कि वहाँ पर कुछ कोच का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली है। जैसे कि प्रैक्टिस मैच में मुझे पमडू सर थोड़ा बहुत घूमते हुए दिख रहे थे बाउंड्री के आसपास सेकंड गेम में, वो पता नहीं किसके लिए था, वो किससे मीटिंग करने के लिए जा रहे थे या खाली अपनी टीम को देख रहे थे ये मालूम नहीं है, लेकिन जब मैच आया, चारों मैच की बात कर रहे हैं, तो वो गायब है, वो दिख ही नहीं रहे बाउंड्री लाइन पे, कहाँ है, कहीं अंदर है। तो ये चीज़ खाली फोटो के टाइम में वो नज़र आते हैं कि एक कोच है, वरना तो नज़र भी नहीं आती कि वो कोच भी है। बिल्कुल, और उसके बाद जो टीम का परफॉर्मेंस होता है, जो बेसिक चीज़ें होती है उसमें भी चूक होना, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कोच की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। खैर, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि टॉप थ्री में हमें डेल को लगता है कि नेपाल किसी भी हाल में टॉप थ्री में नहीं पहुँचने वाला। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या ओडीआई स्टेटस नेपाल बचा पाएगा, क्या टॉप फाइव में रहना होगा उसके लिए कि वो डायरेक्टली ओडीआई स्टेटस यहाँ पर अपनी टीम बचा ले, क्या टॉप फाइव में वो
रह पाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो टॉप फाइव में बिल्कुल रह लेंगे, चौथे या पांचवे में वो खत्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आने वाले वक्त में उन्हें अपने यहाँ मैचेस बहुत ज़्यादा खेलने हैं। जितना ही वो टूर और ट्रैवल कर रहे हैं वो सब अभी कर रहे हैं, अभी उन्होंने यूएई का टूर किया, उसके बाद अब यहाँ पर वो आए यूएसए में, उसके ओमान भी गए थे पिछली बार, अब वो स्कॉटलैंड जा रहे हैं, उसके बाद यूनाइटेड में जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो लगातार उनको अपने होम सीरीजेस खेलनी है, तो होम का एडवांटेज अगर आप नहीं उठा पाते तो फिर इससे डिसअपॉइंटेड क्या होगा। तो डेफिनेटली लगता है कि चौथे या पांचवें पे वो एंड जरूर करेगा और उसी के साथ अपना ओडिया स्टेटस जो है क्लीनली तरह से यहाँ पर वो बचाने में कामयाब जरूर हो जाएगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो क्वेश्चन की बात उन्होंने की है कि किस तरह से T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम डायरेक्ट क्वालिफाई कर ले। तो आप में से जो लोग हमें रेगुलर सुनते हैं वो जानते हैं कि इसका आंसर आप पहले भी दे चुके हैं, लेकिन शायद उन्होंने वो वीडियो मिस किया हो या फिर वो नए जुड़े हो इसलिए हम दोबारा ये आंसर दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 डायरेक्ट क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होगा, बिल्कुल जो क्लियर है सो है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कुछ हम कहेंगे नहीं है आसान है ये कर दो वो कर दो, किस तरह से हो सकता है आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि तरीके नहीं है, और सबसे जो पहला एक उम्मीद वाला तरीका है कि चलिए जिम्बाब्वे है तो जिम्बाब्वे से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिम्बाब्वे मोस्टली गेम्स हारे, जी हाँ, या सीरीज हारे, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक एक्सपेक्टेशन रखना हुआ ये सबसे लास्ट चीज़ होती है क्रिकेट में, अगर कोई कर रहा है तो कि सबसे पहले तो आप खुद से कुछ करिए, तब उम्मीद करिए कि हाँ वो दूसरा क्या कर रहा है वो जाने। लेकिन अब नेपाल क्या कर सकता है, नेपाल यही कर सकता है कैन खासकर बोर्ड अरेंज करवा सकता है टॉप क्वालिटी साइड से सीरीज, और टॉप क्वालिटी साइड से मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से कराने की सोच रहे, ऐसा नहीं, टॉप क्वालिटी साइड मतलब आप टेस्ट स्टेटस जहाँ खासकर जो आयरलैंड है, जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे से जैसे अभी थोड़ा सा नेपाल का क्लोज बड़ा है, काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है, तो इससे आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि जिम्बाब्वे के साथ अगर एक छोटी सीरीज हो जाए, आयरलैंड तो बेस्ट ऑप्शन है, जी हाँ, आयरलैंड, नीदरलैंड, ओमान एंड यूएई, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो बहुत बहुत ही ज़्यादा बेटर है नेपाल के लिए उनकी रैंकिंग को अप करने के लिए, क्योंकि आयरलैंड को जिस तरीके से नेपाल ने बंडल आउट किया है सस्ते में और काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है अभी फिलहाल, तो उम्मीद है कि आयरलैंड के खिलाफ और नीदरलैंड, ओमान, यूएई, और नीदरलैंड, ओमान के खिलाफ तो खैर आप लोग नेपाल का पलड़ा बहुत भारी हो जाता है, यूएई के खिलाफ और जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत बेटर गेम्स हो सकते हैं अगर अरेंज कराए जाए। बिल्कुल, तो कहीं लगा ये पांच टीमों के खिलाफ अगर आप सीरीज अरेंज कराने कराते हैं, ऐसे नहीं कि पांचों के खिलाफ, ये पांच ऑप्शन हमने दिए इनके खिलाफ अगर आप सीरीज अरेंज कराते हैं तो डेफिनेटली हेल्प जरूर होगी, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ आप खुद देखिए आपने आयरलैंड को रेस्ट्रिक्ट तो जरूर किया है, 125 पर भी आपने रेस्ट्रिक्ट किया है, लो स्कोरिंग गेम वहाँ पर रहे लेकिन बैट्समैन ने हमेशा डिसअपॉइंट किया, तो कहीं ना कहीं अगर आप ये रिस्क आप बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि आपके पास खोने के लिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप रीजनल क्वालिफायर्स खेलेंगे जो अभी बहुत हाई पॉसिबल चांस लग रहे हैं, क्योंकि यूएई की अगर हम दूसरे बात करूं तो वो ऑलरेडी 11 नंबर पर है, नेपाल से काफी दूर है, दूसरी बात ये है कि वो वर्ल्ड कप से पहले एक ट्रांजिशन सीरीज भी खेलने वाले हैं, एशिया कप क्वालिफायर्स खेलने वाले हैं, वहां उनको पॉइंट्स गेन होंगे, उसके बाद एशिया कप खेलने वाले हैं, सोचिए अगर एशिया कप में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या किसी भी बड़ी टीम को, मान लीजिए इंडिया, किसी भी बड़ी टीम को अगर उन्होंने एक मैच में हरा दिया किसी फुल मेंबर को तो वहां से जो पॉइंट गेन होगा तो नेपाल और जिम्बाब्वे को बहुत दूर से ही बाय बाय करते, बहुत आगे से बहुत आगे निकल जाएंगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं तेजी से आपको सीरीज कराने की जरूरत होगी, मतलब यूएई बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे इस वक्त है डायरेक्ट क्वालिफाई के लिए, उसके बाद उनके पास वर्ल्ड कप का ऑप्शन भी है, एशिया कप तो अलग है, उसके बाद उनके पास वर्ल्ड कप का ऑप्शन भी है, वर्ल्ड कप में वो हारे तो उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मली कुछ रेटिंग्स का फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर वो जीत गए एक मैच किसी फुल मेंबर को हरा के तो जरा सोच के देखिए कि आईसीसी इवेंट पे एक फुल मेंबर टीम को हराने का उन्हें कितना ज्यादा पॉइंट्स और रेटिंग मिलने वाली, तो इसीलिए आपको ये नहीं कि बहुत छोटे सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, इन सबसे करा के कुछ फायदा होने वाला है, कुछ ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि आप दूसरी तरफ यूएई को नहीं देख रहे कि उनके पास कितना स्ट्रांग बेस है अभी आगे जाकर कि वो कितना सॉलिड तरीके से अपने 11 की पोजीशन को ग्रैब करके रख सकते हैं। तो आयरलैंड की मैं बात करूं, आयरलैंड से आप बात कर सकते हैं, उनके साथ सीरीज खेल सकते हैं, जिम्बाब्वे के साथ सीरीज हो सकती है, यूएई से आप बात कर सकते हैं, ओमान और नीदरलैंड, इससे नीचे अगर आप जाएंगे तो रेटिंग में कुछ खास ज्यादा फायदा होगा नहीं, और अगर फायदा होगा भी तो इतनी देर में खेले, इतना ज्यादा खेल के तब तक 14 नवंबर की डेट जो है वो निकल जाएगी कहीं ना कहीं, तो ये तरीका है डायरेक्ट क्वालिफाई करने का नेपाल के लिए। ओवरऑल अगर यहाँ पर हम एक चीज और देखें कि टीम का परफॉर्मेंस देखकर आपको क्या लग रहा है, कौन सी वो दो टीम है जिनके खिलाफ सीधे सीधे इनको मैचेस सीरीजेस खेलनी चाहिए, क्या इनको रखवानी चाहिए? देखिए आयरलैंड एक फुल मेंबर और एक नहीं, बिल्कुल देखिए आयरलैंड तो ऑब्वियसली है, आयरलैंड बिल्कुल है, वहाँ अगर उम्मीद है कि वहाँ हो, और यहाँ दूसरी कहना होगा कि नीदरलैंड्स
के खिलाफ, क्योंकि नीदरलैंड्स के खिलाफ नेपाल का जो जो एक एक पोजीशन है बहुत स्ट्रांग है, और यूएई के खिलाफ अगर रखें तो कंपटिटिव बहुत होगा ज़रूर। लेकिन ये दो टीमें जो आपने कही, दो नाम डायरेक्ट आयरलैंड और नीदरलैंड, क्योंकि इनके खिलाफ नेपाल का जो शो है वो काफ़ी बेहतर, ओमान भी है पर थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बेटर हो नीदरलैंड। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आयरलैंड के खिलाफ जो शो बेटर है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा है बैट्समैन के ऊपर। तो आप जैसे मैंने कहा आप रिस्क ले सकते हैं, क्या जाएगा आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी 13वें नंबर पर है। अगर आप 11 तक नहीं पहुंच पाते तो कोई बात नहीं, आपको रीजनल क्वालिफायर्स के थ्रू आना होगा, और बाई चांस अगर आपने हरा दिया तो फिर आपको जो गेन होगा वो तो कहने वाली बात होगी। लेकिन ऐसी बात है, उससे पहले आपको आयरलैंड से बात जरूर करनी होगी, उनको मनाना होगा। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं जो व्यूअर थे वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आपको आंसर मिल गया होगा। यही क्लैरिटी है, जो सही है वो रियल है आपके सामने, हम हमेशा रियल रहने की कोशिश करते हैं, भले ही वो किसी को पसंद आए या फिर ना आए, लेकिन हार्श रियलिटी वही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार दिल के साथ बने रहिए।